चलिए महेश जी मोतिहारी से, आप बिहार पुलिस में है, बिहार पुलिस में थे पहले, सॉरी बिहार पुलिस में थे पहले, 2022 में ज्वाइन किए थे, और इस बार आपका बिहार एसआई में हुआ है, तो ड्यूटी के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे इसको लेकर के थोड़ा सा बता दीजिए। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि इन लोगों को तो नौकरी हुआ ना है, तैयो इन लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो आप ड्यूटी करते हुए भी जो है अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे इसको लेकर के थोड़ा सा इन लोगों को बता दीजिए, और फिर आगे आप तैयारी के दौरान जो भी महसूस किए हैं कि हाँ ये करना चाहिए वो इन लोगों को बता दीजिए, फिर मम्मी से जो है आशीर्वाद इन लोगों को दिला दीजिए। सबसे पहले सर को मेरा प्रणाम जो इस मंच में आने का मौका दिए, और आप सबके उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं हम। हम 2021 के मध्य में बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर ज्वाइन किए थे बक्सर में, और वहाँ से ट्रेनिंग मेरा एक साल का पूरा हुआ लगभग 22 के मध्य तक, उसके बाद फिर ड्यूटी लगने लगी, बहुत सारा ड्यूटी। हम लोग बिहार पुलिस में BSF के अंदर आते हैं, BMP आता है, उसका ड्यूटी बिहार के बाहर भी लगता है, कितना भी चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव हो, अभी जम्मू कश्मीर का ही कंपनी मेरी 4 कंपनी गई है, तो बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को ड्यूटी के दौरान, चुनाव ड्यूटी में विशेषकर बहुत मतलब कठिनाई होता है रहने का खाने का। जैसे हम जब फॉर्म डाले थे उस समय पश्चिम बंगाल चुनाव करा रहे थे, और वहाँ से फॉर्म डाले, सर का कोर्स लिए थे, PT का लास्ट जो कोर्स आया था सर का ऑब्जेक्टिव कोर्स वो वाला लिए थे, उससे पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन एक दोस्त का कोर्स लेकर पढ़ रहे थे, एक दो सब्जेक्ट तो मेरा वीक था, और उससे पहले मेरे पढ़ रहे थे ऐसे ही सेल्फ स्टडी, सर का कोर्स लिए वहीं पर, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव कोर्स आया था 2 महीना का, सब सिलेबस तो खत्म नहीं हो पाया, लेकिन जितना हुआ मेरे लिए काफ़ी था, वहीं मेरा हेल्पफुल किया, मेन उसमें था मोटिवेशन, और सर का जो किया बताया हुआ तरीका एग्जाम पास करने के लिए, सारा सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना पढ़े उसको अच्छे तरह से पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसमें कहीं से गलती नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा हम मतलब PT भी निकाल दिए, मेंस भी निकाल दिए, इकोनॉमी आज तक नहीं पढ़े, क्योंकि उस टाइम मेरे पास उतना नहीं था कि इकोनॉमिक्स पढ़ पाए, लेकिन जो मेरा था उसको 100% पढ़े, और इतना बार रिवीजन कि ये जो सर का उस समय आता है ना उसको कम से कम 5 बार पढ़े हैं, PT से लेके मेंस के बीच, मेंस में 2 बार पढ़े और उसमें पहले, और सर का मेंस का बैच लिए थे वो तो मतलब सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जितना हो उतना काफी था, और रिवीजन सबसे पहले सर जो बताते हैं वो काफी है, जितना पढ़ाते आप तो अभी बहुत पहले से बैच लिए आप लोग का, मैं भी पूरा सिलेबस खत्म हो भी जाए पूरा बैच पढ़िएगा, उसके बाद सर सिलेबस बोले वो एक बार रिवीजन करने बोले आप लोग 5 बार करिएगा, क्योंकि रिवीजन ही मैंने, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है, आप लोग जान रहे हैं ना कितना कटअप जा रहा है, 80-82 पढ़ता सब कोई है, सब 75 ला देता है, लेकिन 80-82 कटअप उसी का आता है जो रिवीजन करता है, शान चाहिए उसमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत सारा पार्टनर हम लोग जो ड्यूटी के दौरान क्या बोले आपको वहाँ पे खाने के लिए, मतलब इलेक्शन ड्यूटी आप लोग कभी किसी कोर्स को देखे होंगे अपने गाँव में कैसे आता है, रात में भूखे सोता है, सुबह पूरा दिन भर इलेक्शन कराता है, और फिर कहाँ कहाँ मतलब जाता है वो सब उसमें मैनेज करते हैं, सुबह मतलब उसमें गिनती भी देना है, ड्यूटी भी करना है, जितना वक्त मिले उसमें भी पढ़ना है, और हम लोग का ड्यूटी के वक्त भी अगर टाइम मिलता था, अगर कोई ऑफिसर नहीं रहा उसमें मोबाइल लेकर सारा क्लास कर लेते थे, जितना टाइम मिला उसको पूरा यूज़ किए, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए दरवाजा पढ़ने के लिए, हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, आप लोग के जान का अच्छा लगेगा मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 2022 में हम किए थे ग्रेजुएशन, लेकिन साइंस मेरा पहले से बैकग्राउंड था, और बिटू सर का सहायता लेकर साइंस और सर का सहायता लेकर आर्ट्स पढ़े, वही सब सफलता दिलाया, उस समय हम PT के समय पश्चिम बंगाल चुनाव में, तो फिर आए एग्जाम दिए PT का, फिर मेंस का सिलेबस जिस समय हो रहा था उस समय हैदराबाद चुनाव लगभग हो रहा था, कुछ हमको मालूम नहीं, याद नहीं अभी आ रहा है, लेकिन चुनाव में ही थे, और फिर मेंस के लिए हम मतलब वहाँ पे ड्यूटी में नहीं थे, लेकिन झूठ क्या बोले, ड्यूटी में 40 दिन के लिए छुट्टी लेके आ गए थे घर पे, सिर्फ मेंस के लिए 25 दिन का एग्जाम था ना, उसमें छुट्टी लेके आ गए थे घर पे, मुतिहारी रहकर अपना पर्सनल रूम लेके और सर का कोर्स लेके पढ़ते थे, PT से पहले सर के पास ही मतलब ड्यूटी के वक्त ही पढ़ने लगे, और मेन जब मेन इसका है फिजिकल, बहुत सारे लोग पास करते हैं, कितना लोग 25,000 लोग पास किए हैं इस बार, और फिजिकल में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई किए हैं, जो भाई अब फिजिकल में डिस्क्वालीफाई किए हैं उनको इतना संदेश है कि रोज सुबह 15 मिनट कम से कम रनिंग कीजिए आप लोग, बस और कुछ भी नहीं है, आप लोग सब पढ़े हुए हैं दोबारा, बस उसको रिवीजन करना है, और सर का मार्गदर्शन में रहिए, सर बेस्ट है 100% सर ही सब कुछ करेंगे, सर जो बताएं वही हम बता रहे हैं, बस सर अपना मुँह से बोलते तो आप लोग विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन विश्वास करने के लायक जो विश्वास करेंगे वही सफल होंगे, और सर के मार्गदर्शन में आप लोग पढ़िए, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं हम, थैंक यू। इनकी मम्मी से आप लोग को आशीर्वाद दिला देते हैं, क्या क्या कैसा लग रहा है बेटा सफल हुआ है, माइक दे रहे हैं हम आपको, ऐसे नहीं बोलना माइक पे, ये सब को भी आशीर्वाद दे दीजिए कि ये सब भी आपके बेटा जैसा सफल हो जाए, और बिहार पुलिस में था तो मानता उनता था कि ना, मानता है ना आपको, रुके माइक लगा, हम तो बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं कि सारे बच्चे के नौकरी लग जाए, ये बहुत अच्छा की बात है, तो मम्मी का इलाज करवाने आए थे, और दूसरा जो है हनुमान मंदिर से आए हैं, समझ गए, तो आप पढ़ती हैं, हो कौन बेच में पढ़ती हैं, कौन बेच में पढ़ती हैं, खुश रहिए खुश रहिए, इस बार क्या कर रहे हैं आप, रिवीजन टेस्ट और दे रहे हैं कि ना, है कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक लिए थर्ड एडिशन, सुनिए पिछले बार पढ़े हैं ना, ठीक है इस बार एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है, दोबारा पढ़ लीजिए, दिक्कत है आपको भाई, आपका दरोगा बन गया है अब, तो जो है फिर से एक बार पढ़ लीजिए, या फिर कोर्स लेकर के जो सब्जेक्ट वीक है, जैसे ही क्या बोले एक बार बोले हैं, इनका 2 बात हमको पसंद आया जो हम आपको बाद में बताएंगे, एक बात ये कि जो है जो सब्जेक्ट वीक था दूसरे से कोर्स लेकर के किए हैं,
दूसरे लड़का से कोर्स लेकर के पढ़े हैं और दूसरा मेंस में जो है बैच परचेज किया है और मोर एंड मोर टाइम भी वेस्ट किया है। ठीक है, तो हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका वीक जरूर होगा, उस पर आपको काम करना चाहिए, समझ गए। तो एक बात ये बोले हैं, इस पर आपको गौर करना है, ये आपके काम के लायक बात था। और क्वेश्चन बैंक 5 बार किए हैं, ये आपके काम के लायक बात था, समझे। तो क्वेश्चन बैंक भैया तो आपके हाइए हैं सजेस्ट करने के लिए, समझे। लेकिन मैं क्या बताना सर, जो सर जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाना है तो उसको भी सही मार्क आते हैं। आप कुछ कर नहीं रही हैं, हमको तो आश्चर्य लग रहा है। अजी आप ही बोल रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रही हैं। चलिए इनकी माता जी को देखते हैं। आप भी आइए अगली बार पढ़िए। ठीक है, आए, काफी अच्छा लगा और सही गाइडेंस इन लोगों को दिए हैं। आपका 2 बात हमको बहुत अच्छा लगा है, आपके जाने के बाद इन लोगों को समझाएंगे। ठीक है आप कम से कम डेली टेस्ट जरूर दीजिए, शाम में 7 से 7:30 जो होता है वो डेली टेस्ट आप ज्वाइन कीजिए।